शाबाश, हमें तो लगता है तुम भी उन्हीं से मिल गए हो, इसीलिए जहर से भरा ये तरकश हमारे सीने में खाली कर रहे हो, इसीलिए जिसे आप जहर में बुझे हुए तीर समझ रहे हैं वो एक ऐसा कड़वा सच है जिसे आपको समझना ही पड़ेगा कुंवर। सारा जहां आपकी मोहब्बत समझे, आप किसी की मोहब्बत नहीं समझेंगे। दोस्ती को ऐसे नाजुक मरहलों पर मत लाओ जाबाज। दोस्ती क्या यही है कि मैं हमेशा आप ही के हक में बोलता रहूं, आप जो देखे मैं वही देखता रहूं, आप जो समझे मैं वही समझता रहूं। मैं महाराज के सामने अपने खून की कसम देकर आया हूं कि आप विजयगढ़ तब तक नहीं जाएंगे जब तक आपको वो हुक्म नहीं देंगे। शाबाश, ये तुमने क्या किया? कसम खाली, वो भी अपने खून की, उस खून की जो हमेशा हमारी हिफाजत के लिए बहाए। इस खून को तुम महाराज के सामने बेच आए? हम मजबूर थे कुंवर, महाराज ने हमें मजबूर कर दिया था। दुनिया की ऐसी कोई मजबूरी नहीं है जो हमारी और तुम्हारी दोस्ती और चंद्रकांता की मोहब्बत से बढ़कर है। ओहो, तो महाराज सुरेंद्र सिंह ने यह किया है, हमको महारानी मां देकर हमसे हमारा दोस्त छीन लिया। नहीं तुम हमार, जो बात आज तक हम सारी दुनिया से कहते आए हैं वो तुम भी सुन लो। हमारे लिए दुनिया का कोई रिश्ता चंद्रकांता की मोहब्बत से बढ़कर नहीं है, तुम्हारा भी नहीं। और आज हम यह ऐलान करते हैं कि आज से जाबाज हमारा दोस्त नहीं, हमारा दुश्मन है। कुंवर वीरेंद्र विक्रम सिंह, जो कसम मैंने ली है वो तो कुछ भी नहीं, मगर जो कसम महाराज ने ली है, यानी कि महाराज ने भी तुम्हारे साथ कोई कसम ली है, वो कसम पूरी होगी या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। अगर जाबाज के रहते हुए आप नौगढ़ छोड़कर विजयगढ़ नहीं जाएंगे, कौन रोकेगा हमें? तुम्हारी हैसियत क्या है? चले जाओ तुम यहां से, चले जाओ, हम तुम्हें अपनी जिंदगी से खारिज करते हैं। तुम हमारी दोस्ती के लायक नहीं हो जाबाज, चले जाओ यहां से। कल सुबह हमें तुम्हारी सूरत नौगढ़ में नहीं नजर आनी चाहिए, निकल जाओ। मैं आपको माफ करता हूं इस गुनाह के लिए, क्योंकि आप जानते ही नहीं कि आप क्या करें। और फिर वो गजब हो गया जो नामुमकिन था, यानी कि साया अपने जिस्म से जुदा हो गया। जाबाज जिस तरह किसी अनजानी दुनिया से आया था, उसी तरह नौगढ़ और वीरेंद्र सिंह की दुनिया से एक अनजानी दुनिया में चला गया। जाबाज कहां गया? जाबाज किधर गया? वो कब लौटेगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्या सुन रहे हैं हम? क्या हो रहा है हमारे राजमहल में? इतनी बड़ी बात हो गई और हमें किसी ने बताया तक नहीं। दो भेषों के बीच झगड़ा हो गया और हमें खबर तक नहीं दी गई। शाहबाज को राजमहल छोड़कर जाने क्यों दिया गया? कहां है सब लोग? कुंवर वीरेंद्र सिंह को बुलाओ। दीवान जी कहां है? उदय सिंह, तेज सिंह, बुलाओ सबको। महाराज की जय हो। जाबाज जी ने जाते वक्त आपके लिए पैगाम दिया। महाराज के हुजूर में जाबाज का सलाम। गुस्ताखे के लिए माफी मांगता हूं कि मैं बगैर इजाजत के नौगढ़ छोड़कर चला आया। उसकी एक वजह यह है कि कुंवर वीरेंद्र विक्रम कुछ अरसा अकेले रहकर यह सोचने पर मजबूर हूं कि सही क्या है और गलत क्या है। उन्हें समझाने की कोशिश की पर हमारी दोस्ती में दरार आ गई। आखिर में इतना भरोसा मुझ पर रखें कि मैं जहां भी होऊंगा नौगढ़ की भलाई चाहूंगा और खुद मुनासिब वक्त आने पर आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। तब तक मैं उस कांटे को ढूंढ निकालूंगा जो दो रियासतों के अमन और चैन का दुश्मन है, और मुझे पूरा यकीन है कि वो कांटा विजयगढ़ में ही मिलेगा। आपका आज्ञाकारी जाबाज। विजय
महाराज की जय हो। महाराज, ये नौगढ़ का बागी है और हमारी शरण में आया है। हर बागी दुश्मन की शरण में आकर अपनी जान बचाना चाहता है दीवान जी, लेकिन हम हैरान हैं कि ये अभी तक जिंदा कैसे है। इसकी जगह इसका कटा हुआ सर हमारे कदमों में होना चाहिए। महाराज, ये हमारी शरण में आया है और हमारा बंदी है। बंदी का सर नहीं काटा जाता। हाँ, ये बागी जरूर है लेकिन हमारा नहीं, नौगढ़ का। बागी के सर में सिर्फ बगावत होती है दीवान जी, वो चाहे उसके अपने मालिक से क्यों ना हो, इसलिए हर बागी का सर काट देना चाहिए। जान के अमान महाराज, राजाओं को शोभा देता है कि वो कटे हुए सर पर पांव रखकर निकल जाए, लेकिन हम तो मंत्री हैं, दीवान हैं। हमारा फर्ज न सिर्फ इतना है कि कटे हुए सर का इस्तेमाल करें, बल्कि इंसान का इस्तेमाल करके उसका सर काट दें। रात भर सिपाहियों की भाग दौड़ हमने भी सुनी दीवान जी, लेकिन हमें नहीं मालूम था कि वो बागी आपकी शरण में है, और जिसे आप बचाना चाहें उसे हम भी नहीं मार सकते। तेज सिंह, तू इस वक्त इस दरबार में जिंदा खड़ा है, या तो जिंदा खड़ा है वहां तेरी लाश बिछी होनी चाहिए थी। क्रूर ना समझ और नादान है महाराज, उसे ना ही सियासत की समझ है और ना ही अय्यारी की। क्रूर, तुम बीच में दखल मत दो, और जो तुम्हारे सामने सर झुकाए खड़ा है। जिनके सिर झुक जाते हैं उनकी बात आप कभी मत मानिएगा महाराज। हर हारा हुआ इंसान बहुत ही घातक और खतरनाक होता है, सबसे बड़ा वार करता है। बोलो, तुम भी कुछ बोलो ताकि तुम्हारी असलियत जाहिर हो। महाराज, हर मजबूर और बेवस इंसान बहुत बकबक करता है, इसने भी की होगी। महाराज, आज आप मुझे रोकिएगा मत, मैं अपनी तलवार से इसका सिर कलम कर दूंगा, जिससे आप भी चैन से जी सकेंगे और मैं भी। तुम ठीक कहते हो क्रूर सिंह, इसका सर कलम कर देना चाहिए। महाराज, इतनी जल्दी क्या है, धीरज रखिए महाराज। तेज सिंह को एक दिन मरना ही है, लेकिन इस नादान क्रूर सिंह को कौन समझाए कि यार और राजदूत को मारा नहीं जाता, बंदी बनाया जाता है, कैद में रखा जाता है। हम भी यही चाहते हैं कि ये बेड़ियों में जकड़ा रहे, हमारा दुश्मन बनकर नहीं, हमारा साथी बनकर। दीवान जी, जो अपनों का नहीं हो सका वो हमारा साथी बनकर कैसे रह सकेगा। महाराज, वैसे भी अपनों से चोट खाकर आया हुआ है, यूं भी क्षत्रियों की शरण में दुश्मन भी आ जाए तो उसे सहारा दिया जाता है। महाराज, ये नौगढ़ के मजबूत किले की वो कच्ची ईंट है जिसके सहारे नौगढ़ को नीच तो नाबूद किया जा सकता है। मेरे आदरणीय पिताजी, मुझे लगता है कि इस चालाक अय्यार ने आप पर जादू कर दिया है। महाराज, कुंवर वीरेंद्र विक्रम की जगह जो अय्यार मारा गया वो इसी का छोटा भाई अजीत। जब मैंने इससे पूछा कि क्या तुम अपने भाई का बदला लोगे, तो इसने सच बोला, बदला जरूर लिया जाएगा, लेकिन ये मसला इसका और क्रूर सिंह का है। जो शख्स मेरे सामने यानी क्रूर सिंह के बाप के सामने सच बोल सकता है, उसके हम कद्र करते हैं। सच से बड़ा जादू कुछ नहीं होता। महाराज, आप कुछ सुन रहे हैं कि मेरे आदरणीय पिताजी क्या कह रहे हैं? मेरी मौत को मेरे ही घर में मेहमान बनाकर रखा जा रहा है। मुझे तो अपने आदरणीय पिताजी की समझ पर, बल्कि उनकी नासमझी पर अफसोस ही नहीं है, हैरत भी है। क्रूर सिंह, तुम क्या उससे डरते हो? नहीं नहीं महाराज, मैं नहीं डरता। फिर भी दुश्मन को मौका क्यों दे? आखिर ये हमारे किस काम आएगा? ये नौगढ़ का सबसे बड़ा अय्यार है, तुम्हारे तीनों अय्यार मिलकर भी इसका मुकाबला नहीं कर सकते। ये नौगढ़ से टूट कर आया है, यदि इसे विजयगढ़ की जरूरत है तो विजयगढ़ को भी इस जैसे अय्यार की जरूरत है। इसे एक शर्त पर रखा जा सकता है। बागी अय्यार, क्या तुम हमारी शर्त पूरी करोगे? मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है महाराज। कुंवर वीरेंद्र विक्रम और उसके दोस्त जाबाज को तुम हमारा बंदी बनाओगे और उन्हें कैदी बनाकर हमारे सामने लाओगे। इतना यकीन दिलाता हूं कि अपना फर्ज निभाने में किसी तरह की कमी नहीं आने दूंगा। फर्ज निभाते हुए
चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। इसे हमने अपनी खिदमत में कबूल किया, लेकिन जब तक ये अपनी सच्चाई का सबूत पेश ना करे, इस पर कड़ी निगाह रखी जाए। दीवान जी, महाराज, इसे अपनी साथ वाली अटारी में रखने का इंतजाम किया जाए। क्रूर, महाराज के हुक्म की तामील हो। महाराज के हुक्म की तामील जरूर होगी मेरे यज्ञ पिताजी। ए सिंह, मौत के मुंह में सर दे रहे हो यज्ञ। चले यज्ञ। जय हो दीवान जी। उसे जरूर कोई खास और अहम वजह होगी जिसकी वजह से तुम्हें यहाँ इस वक्त आना पड़ा। महाराज, खास वजह नहीं होती तो मैं आपकी सियासी गुफ्तगू में कभी खलल नहीं डालता। और वो खास वजह जल्दी से कह दो, ध्यान रहे कि हम भी सुन रहे हैं। यही तो गम है कि आप भी सुन रहे हैं। महाराज, वो खास वजह यह है कि मेरी नींद, मेरा चैन, मेरा आराम सब कुछ लुट गया है। हाँ महाराज, वफादार खादिमों की नींद, उनका आराम तब हराम हो जाता है जब उनके मालिकों की जिंदगी खतरे में पड़ जाती है। अब किसे खतरा है कुर सिंह? किसे खतरा है ये बात की बात है महाराज, लेकिन किससे खतरा है? जब हम सोचते हैं तो हमारा चैन धुएं की तरह उड़ जाता है। वीरेंद्र विक्रम तो हमारे हाथों से बच निकला, लेकिन अब न तो खुद चैन से बैठेगा, न हमें चैन की सांस लेने देगा। महाराज, अगर मेरा बस चले तो मैं नौगढ़ जाकर उसे वहीं बेबस कर दूं, लेकिन फिलहाल हम ये कर नहीं सकते। इसलिए मैंने तय किया है कि मेरा चांद महल जाना बहुत जरूरी है। चांद महल जाना जरूरी क्यों है क्रूर सिंह? चंद्रकांता महाराज, चंद्रकांता विजय गौड़ आपकी इकलौती वारिस चंद्रकांता। महाराज, चंद्रकांता चाहे जैसा भी सलूक करे मेरे साथ, लेकिन मैं अपने फर्ज, अपनी वफापरस्ती को कभी नहीं भूल सकता। महाराज, चंद्रकांता को खतरा है तो सिर्फ वीरेंद्र विक्रम से। वीरेंद्र विक्रम के पैरों में तो हम जंजीर नहीं डाल सकते, लेकिन कम से कम अपनी मासूम चंद्रकांता की हिफाजत तो कर सकते। शाबाश, शाबाश क्रूर सिंह, शाबाश। इसे कहते हैं वफादारी। जो तुम सोच रहे हो वही मैं भी सोच रहा था। राजकुमारी चंद्रकांता को हिफाजत की जरूरत है, और उन्हें वो हिफाजत हम खुद देने जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप ही को जाना चाहिए मेरे यज्ञ पिताजी। लेकिन मेरे ख्याल से आपकी उम्र इतनी हो गई है कि अब दिन पर दिन आपकी शक्ति नष्ट होते चली जा रही है। अगर वीरेंद्र विक्रम वहां आ पहुंचा तो उसका मुकाबला कौन करेगा? उसके लिए आपको क्रूर सिंह की जरूरत पड़ेगी, अपने बेटे की। बेटे की समझदारी पर हमें फख्र है, लेकिन उसकी नादानी पर रंज भी है। महाराज, ये उसकी हिफाजत करने के लिए जा रहा है जिसने चाबुक मार मार कर इसकी चमड़ी उधेड़ दी थी। हमें खुद यकीन नहीं होता वो बेचारी क्या यकीन करेगी। क्रूर सिंह, दीवान जी ठीक कहते हैं। चंद्रकांता तुमसे वैसे भी नाराज है, और तुम्हारे वहां जाने से उसकी नाराजगी और बढ़ जाएगी। हम तो यही चाहते थे कि तुम खुद वहां जाते, लेकिन दीवान जी की समझ ने हमें कायल कर दिया। इन्हें जाने दीजिए, हमारे अलावा चंद्रकांता के लिए दीवान जी वैसे भी पिता समान। और गुर सिंह, हमें तुम्हें वैसे भी अपने आसपास देखने की आदत होती है। कितनी बेहूदा है ये आदतें। महाराज, मैं एक बार फिर कहता हूं, जो काम मैं कर सकता हूं मेरे पिता नहीं कर सकते। बेशक, और जो काम हम कर सकते हैं वो तुम नहीं कर सकते हो। कुंवर वीरेंद्र को क्या पता कि राजकुमारी चंद्रकांता को चांद महल भेज दिया गया है। यदि वो हमला करेगा तो विजयगढ़ पर करेगा, और विजयगढ़ में महाराज को क्रूर सिंह जैसे नौजवान की आवश्यकता है। दीवान जी ठीक कहते हैं, और यही मुनासिब होगा। दीवान जी, आप चांद महल जाने की तैयारी कीजिए। जो आज्ञा महाराज।
आपके जाने का इंतजाम करता हूँ। चार महल में दीवान कुमार सिंह का स्वागत है। चार महल में दीवान कुमार सिंह का स्वागत है। उठते हुए तूफान को रोकने की कोशिश की, लेकिन अब वक्त आ गया है कि ये उठता हुआ तूफान अपने साथ हर उस चीज को उड़ा ले जाए जो उसके रास्ते में रुकावट बने। और फिर मैं तो वह उमड़ता हुआ सैलाब हूँ जिसे चट्टान तो क्या पहाड़ भी नहीं रोक सकता। अब चाहे मेरा